यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर से रोटी बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो सामने आया है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब यूपी पुलिस ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो लोनी के बंथला फ्लाईओवर के पास स्थित एक होटल का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सफेद रंग की टोपी पहनने वाला शख्स रोटी बनाते समय उस पर थूक रहा है। इस वायरल वीडियो की शिकायत हिंदू रक्षा दल के लोगों ने थाना लोनी में की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस मामले पर गाजियाबाद पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लोनी के सीओ का एक वीडियो शेयर किया है। सीओ इसमें बोल रहे हैं कि लोनी क्षेत्र के होटल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे से किसी की भी भावनाएं आहत न हो। एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ जिसमें कि एक व्यक्ति रोटी बनाते समय थूक करके और उसे तंदूर में डाल रहा है, ऐसा दिख रहा है। जब उस वीडियो के विषय में जांच की गई तो पता चला कि वह वीडियो थाना कोतवाली लोनी क्षेत्र के बंथला फ्लाईओवर के पास में एक मुस्लिम होटल के नाम से होटल संचालित हो रहा है, उसके कामगार का प्रतीत होता है। कामगार को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है और पुलिस द्वारा पूछताछ तथा सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है उन तथ्यों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी, आवश्यक विधिक जो भी कार्रवाई होगी, ताकि किसी भी प्रकार से किसी की कोई भी भावना आहत न हो। आपको बता दें कि एक महीने पहले भी यानी अक्टूबर में गाजियाबाद के ही एक ढाबे पर रोटियों में थूक लगाकर बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। आरोपी का नाम था तमीजुद्दीन। इस मामले की शिकायत भी हिंदू रक्षा दल ने ही पुलिस को की थी। इस शख्स को भी गिरफ्तार कर जेल की हवा खिलाई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर मुस्लिम ही रोटियों पर थूक लगाने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या ये कोई साजिश है? फिलहाल देखना होगा कि यूपी पुलिस की हिरासत में शख्स किस तरह से सच उगलेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।